सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाजियावध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम अयोध्या के नागेश्वर मंदिर में हैं और यह देखिए हमारे पीछे नागेश्वर मंदिर है। यहाँ पे नागेश्वर के रूप में महादेव विराजमान है। इनके दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और हम अभी आपको दर्शन कराएंगे और मंदिर के बारे में यहाँ के बताएंगे भी ये मंदिर की महिमा के बारे में। और ये देखिए यहाँ पे सर बहुत अच्छा मंदिर है जो कि यहाँ राम की पेड़ी पे ही ये मंदिर स्थित है। तो आइए दर्शन कर। दोस्तों, रामलला की नगरी अयोध्या में यह नागेश्वर नाथ मंदिर है जो कि राम की पेड़ी पर स्थित है और हम आज यहाँ पर खुद आए हैं और यहाँ पे हमने दर्शन किए और मैं यहाँ के बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, बताना चाहूँगा इस नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना भगवान रामचंद्र के छोटे बेटे कुश ने करी थी और इसकी एक कहानी है। एक बार सरयू नदी में कुश स्नान कर रहे थे तो उनका बाजू बंद खो गया। उन्होंने बहुत खोजने की कोशिश करी लेकिन वह नहीं मिला। तब उनको पता चला उनका बाजू बंद नागलोक की कन्या कुमुदनी के पास है, तो उनको बड़ा क्रोध आया। कुश ने कुमुद नाम के नागराज से कहा कि वह मेरा बाजूबंद वापस कर दें, लेकिन नागराज ने उसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि हमारी संस्कृति में बेटी को दी गई कोई वस्तु या उपहार वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि उन्होंने कड़ा अपनी बेटी को उपहार स्वरूप में दे दिया था। लेकिन कुश अपनी बात पे अड़िग हो गए और कहा कि हमारा बाजूबंद वापस दो वरना मैं नागवंश को बिल्कुल समाप्त कर दूंगा पृथ्वी से, और अपना धनुष बाण उठा लिया और नागवंश को पृथ्वी से समाप्त करने का सोच ही रहे थे। तभी कुमुद राज ने भोलेनाथ से रक्षा करने की गुहार लगाई जिसके कारणवश शिव जी प्रकट हुए और कुश को शांत कराया। शिव जी के प्रकट होते ही कुछ शांत तो हो गए लेकिन विवाद अभी जारी था और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी भोलेनाथ ने एक तीसरा रास्ता निकाला। नागराज कुमुद की पुत्री कुमुदनी से प्रभु श्री रामचंद्र के बेटे कुश की शादी का प्रस्ताव दिया और उसकी शादी कराने का विचार किया। इससे सारी समस्या का समाधान हो गया। इस स्थान पर भगवान शिव शंकर प्रकट हुए थे, वहीं पर कुश ने नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना करा दी जहां पर आज अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालु मठ मंदिर के दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं। तो वहीं पर सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात या राम की पेड़ी में स्नान करने के पश्चात नागेश्वर नाथ मंदिर को जलाभिषेक जरूर करते हैं और यह बहुत ही पौराणिक मंदिर है। तो आप जब भी अयोध्या आएँ यहाँ पर ज़रूर आएँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं नागेश्वर महादेव के साक्षात दर्शन आपको हो रहे हैं और यह प्रभु श्री रामचंद्र के छोटे बेटे कुश ने इस मंदिर की स्थापना करी और यहाँ पे भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। यह देखिए यह कितना भव्य और दिव्य चमत्कारी शिवलिंग है जिसे आप दर्शन कर रहे हैं। इसके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो एक लोटा जल समर्पित करता है भोलेनाथ को इस स्थान पर, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके नाग के जितने भी ग्रह हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे ज़रूर आएँ। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो कैसी लगी है या हमें लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर
यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और प्रत्येक सोमवार को यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। भक्त यहाँ आते हैं और भोले बाबा को जलाभिषेक करते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। और यह बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है। यहाँ पर नाग सर्प दोष जो होते हैं वो भी कट जाते हैं दर्शन मात्र से, एक लोटा जल चढ़ाने से। तो यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जलाभिषेक करते हैं भोलेनाथ का और अपने सारे कष्टों से छुटकारा पाते हैं। और हमारे साथ बोलिए जय शिव शंकर, जय हर हर महादेव।